गार्डनिंग करने वालों को, जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है, उनको कंपोस्टिंग की हैबिट अपने आप ही डल जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने किचन वेस्ट से वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट। और फिर हमको उस धीरे धीरे जब हम कंपोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तब हमको पता चलती है कंपोस्टिंग में होने वाली प्रॉब्लम्स। मतलब प्रॉब्लम्स का मतलब होता है स्पेस। आप किचन में कंपोस्टिंग कर, आप किचन वेस्ट अपना डाल रहे हैं, डालते डालते आपकी एक बाल्टी भर जाएगी, एक महीने में आपकी दूसरी बाल्टी भर जाएगी, फिर तीसरी भर जाएगी। और आप इसलिए परेशान होंगे क्योंकि आपको आदत पड़ गई है कंपोस्टिंग की, और कंपोस्ट को बनने में लगते हैं 6 महीने। अब हम अपने गमले लगाएं या फिर हम अपने कंपोस्ट की का एक पहाड़ इकट्ठा घर में बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं भावनास क्रिएटिव स्पेस। और मेरा आज का टॉपिक है कंपोस्टिंग, इजी कंपोस्टिंग। अगर आप कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो आप कंपोस्टिंग को रोकिए मत, करते रहिए, लेकिन उसको कुछ ट्रिक्स के साथ जो मैंने करे हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी। देखिए, जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो इसमें से निकलता है लिक्विड, और उस लिक्विड से होती है स्मेल। उस लिक्विड से बचने के लिए मैंने ये निकाला तरीका, ये सूखी मिट्टी अपने कंपोस्ट की बाल्टी के नीचे रख दीजिए। जो लिक्विड इसमें गिरेगा, इससे जो है कंपोस्टिंग से आने वाली स्मेल एकदम से ख़त्म हो जाती है। जब तक मैंने ये तरीका नहीं अपनाया था, इस कॉर्नर में जहाँ पे मेरी कंपोस्ट की बाल्टी होती है, यहाँ पे खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और फिर हमें तो हैबिट है कंपोस्टिंग की, हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पे स्मेल हो रही है, यहाँ पे बदबू हो रही है। तो पहला मेरा तरीका है ये कि आप कंपोस्ट की अपनी जो बाल्टी है उसके नीचे मिट्टी की एक बाल्टी ज़रूर रखें, उससे जो है आपके कंपोस्ट में स्मेल नहीं आएगी। आपको बताती हूँ कि मेरे पास कितना कचरा इकट्ठा हो चुका है किचन वेस्ट। एक ये बाल्टी है, एक ये बोरी में मैंने भर के रख रखा है अपनी अंगूर की बेल की टब में, और ये मेरा DIY टम्बलर, रोटेटिंग टम्बलर जो मैंने कंपोस्टिंग के लिए बनाया है, इसमें भी पूरा भरा हुआ है। और एक ये मेरी नीचे की बाल्टी भी पूरी फुल है कंपोस्ट से, और ऊपर ये एक बोरी और भर चुकी है। इसके बाद फिर एक बोरी और जब मेरे इकट्ठा हो गई, तब मैंने उसके लिए क्या किया, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ये अक्टूबर में इस टब में सारे में जो है किचन का कच्चा वेस्ट डाल दिया था। बाल्टी भर जाती है, जगह कम पड़ती है कंपोस्ट से के लिए, तो मैंने ये सारा भर दिया था। और अब ये देखिए, इसमें कहीं कुछ कोई छिलका कोई कचरा नहीं है। 2 महीने का ये रिजल्ट है। अगर आप भी ऐसा कुछ कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो ये कंपोस्टिंग का सबसे फास्ट रिज़ल्ट मुझे मिला है। और अब मैं इसमें इसको पूरा खाली कर दूंगी, और मेरे फिर से 3 बाल्टियां भर गई हैं कंपोस्ट की, वो इसमें पलट दूंगी और मिट्टी से दबा के आपको दिखाती हूँ। जिस टब में मैंने गीला कचरा डाला था अपने किचन का सारा वेस्ट, वो मैंने खाली कर दिया है। और ये देखिए, ये है मिट्टी जो ऊपर मैंने बिछाई थी, और ये जो मिट्टी है ये है टोटल वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिला हुआ, जो कि हमारे फरवरी के सीज़न में जो हम नए पौधे लगाते हैं, नया गमला भरते हैं, उसमें काम आएगी। और ये मिट्टी जो मैंने अभी खाली की है अपने पुराने गमलों की, अब मैं क्या करूँगी, इस मिट्टी का थोड़ी सी एक लेयर अपने इस टब में डाल देंगे, और फिर हम भर देंगे कचरा, और उसके ऊपर उसको फिर से इसी मिट्टी से कवर कर देंगे। तो हमारी एक हेल्दी मिट्टी फिर से रेडी हो जाएगी गर्मियों की सब्जियों के लिए। इस गमले को भरने के लिए पहले जो हमने पुराने पौधे निकाले हैं अपने, उनको डाल देंगे बेस में। ये स्टार्ट है, फर्स्ट लेयर है।
और हमने अब इसमें डाल दी है वापस पुरानी मिट्टी, जो छोटे गमले हमने खाली किए थे उसकी मिट्टी जो अब यूज़ हो चुकी है। हमारी ये मिट्टी भी चार्ज हो जाएगी और बेस में मिट्टी डालने से जो हमारा कंपोस्ट का लिक्विड निकलेगा वो हमारे फ्लोर को ख़राब नहीं करेगा। तो इसमें हम अच्छे से दो गमला हमने मिट्टी डाल दिया है भर के, और अब हम इसमें डालेंगे किचन का सारा अपने कचरा जो कि बाल्टियों में भर गई है, इसको अच्छे से दबा देते हैं। और ये कि सारा किचन वेस्ट इसको डाल के हम ऊपर तक पूरा फूल देंगे, वो बोरी वाला भी, ये जो बोरी है ना पूरी बोरी भर गई है, वो बोरी, ये एक बोरी कचरा जो हमारा फुल हो चुका है। रखने की स्पेस नहीं होती है तो फिर कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या करें कहाँ से लाएं स्पेस। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा मुझे कंपोस्टिंग का। और ये मेरे जंग खा चुके डब्बे के टुकड़े, इनको भी मैं अपने कंपोस्ट में डाल दूंगी। ये जो है लोहे के टुकड़े हैं, जंग खा चुके हैं, ये मिट्टी में मिलके ख़त्म हो जाएंगे इसी में, और हमारे प्लांट्स के जो आयरन की नीड है वो पूरी करेंगे। और ये सरसों की खली मैंने डाली है इसमें, सरसों की खली हमारा एक वेस्ट डिकम्पोज़र का काम करेगा जो कि इसको जल्दी से डिकम्पोज कर देगा। अब हम इसके ऊपर मिट्टी भर देंगे। सरसों की खली मुझे पहले भी डालनी चाहिए थी, मैं भूल गई, पर चलो इतनी ही ठीक है। और अब हम इसको पूरा कवर कर देंगे अपनी पुरानी यूज़ हुई मिट्टी से। आज है 16 जनवरी और इसका रिज़ल्ट जब मैं 2 महीने बाद हम इसको फिर खाली करेंगे अपनी बेल वाली सब्ज़ी लगाने के लिए, तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया है मिट्टी, और मैंने इन टब के ऊपर छोटे छोटे फूलों के गमले रख दिए। खाली टब अच्छा नहीं लगता। अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।